मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ावलिया। अच्छा, सफलता के तीन रहस्य योग्यता, साहस और तीसरा है कोशिश। तो कोशिश करते रहिए, साहस भी रखिए और तभी आपको योग्यता मिलेगी। आइए देखते हैं, टॉपिक के ऊपर चलते हैं और आज है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है पहले इसके बारे में जानिए। अच्छा, दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं और जब इन आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है या समीप लाया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और एक लाइन में ज़रा समझिए, किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से आवेश को या आवेशों को लाने में, निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो चाहिए हमको ध्यान रखना है, हम निकाय की रचना करेंगे, ठीक है, और निकाय की रचना करने में जो विद्युत ऊर्जा होगी यानी किया गया कार्य होगा उसी के बारे में जानना है। आइए विचार करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ले लेता हूँ कि एक बिंदु अनंत वाली स्थिति के रूप में, माने ये अनंत वाली स्थिति है, अनंत पर दो आवेश है, एक है Q1, ठीक है, एक आवेश बच्चा Q1 और दूसरा है आपका Q2, दो आवेश है और इन दोनों आवेशों को ला करके हम एक निकाय बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि दो निकायों की स्थितिज ऊर्जा, दो निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हम रचना करने जा रहे हैं। दो निकायों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में जानना है। तो अच्छा, यहाँ अनंत से दो आवेश है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, इसको हम लाना चाहते हैं। अनंत से पहले हम माना बिंदु A है, इस बिंदु A पर हम Q1 को लाना चाहते हैं, पहला। दूसरा स्थिति ये बच्चा कि अब हम अनंत से इससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम लाना चाहते हैं। तो सपोज करो ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया और यहाँ पर हम Q2 आवेश को लाना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका आवेश क्या बच्चा, Q2, और इनके बीच की दूरी ये Q1 और Q2 है ना, तो लिखेंगे R1 R2। तो ये दूरी है आपका R1 R2। तो इस तरीके से हम एक निकाय की रचना करना चाहते हैं। तो विचार कीजिए, जब हम अनंत से Q1 को ले करके आएंगे, ठीक है, बिंदु A पर, तो ध्यान रखिए जब हम ले करके आएंगे बच्चा, तो मान लो कि ये अनंतता वाली थी और Q1 आवेश को हम ले करके जब आ रहे थे और इस बिंदु A पर जब ले करके आए हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर पहले से कोई दूसरा आवेश नहीं है, इसके आसपास भी कोई आवेश नहीं है, तो जानते हैं इस पर जो है कोई विभव नहीं होगा, क्योंकि जब पहला हम आवेश ले करके आएंगे तो पहले से कोई आवेश यहाँ पर है नहीं, इसलिए यह कैसा होगा बताइए, इसके ऊपर कोई विभव नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई विभव नहीं लगा पाएगा, कुछ होगा ही नहीं विभव। तो इसलिए किया गया जो कार्य होगा पहली स्थिति के लिए वो क्या होगा, शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा क्या, आवेश हम लोग पढ़े थे। अच्छा, तो अब कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर गुणे कौन सा आवेश लेकर के आए हैं, Q1 आवेश को, तो आवेश को हम क्या कहते हैं, Q1, विभवांतर यहाँ क्या होगा, शून्य होगा, शून्य गुणे Q1। तो पहला स्थिति में अगर हम Q1 को लेकर के आते हैं और उसको हम कहते हैं कि यह कार्य क्या बचा, W1 है, तो बोलो कार्य क्या होगा, पहली स्थिति 0 होगा, 0 जूल के बराबर होगा, यह मैं मान लिया समीकरण नंबर 1।
तो यहाँ हमको क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही हम दूसरे धन की आवेश को लेकर के आएंगे, तो जैसे ही कोई दूसरा आवेश आएगा, तो ये तो मैंने दिखाया था, ये आपका टारगेट था बनाने का, निकाय बना रहे हैं। तो मान लीजिए दूसरा हम लेकर के आएंगे, तो ये बिंदु आपका क्या है, बी है, ठीक है, बिंदु बी है। जब इस पर हम लेकर के आएंगे तो पहले से ही ये धन आवेश है, और जब हम दूसरा कोई आवेश लेकर के आएंगे तो बिंदु बी पर अब विभव होगा धन Q1 के कारण। तो ये है आपका बच्चा Q2 आवेश, ठीक है, Q2 आवेश है। हम दोनों को Q1 Q2 ही लिख देते हैं, Q1 Q2 आवेश है। दूरी क्या है आपका, R1 R2 ऐसे लिख लेते हैं इसको, इतना हो गया। तो पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, जीरो है। अब उसी तरीके से Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया कार्य, इसको हम क्या कह लें, W कह लें, विभवांतर होगा, ठीक है। तो बिंदु बी का विभव विभव और गुणे कौन आवेश लेकर के आए हो, Q2 आवेश। बिंदु बी का विभव क्या होगा बच्चा, किसके कारण होगा, तो इसे Q1 के कारण होगा। तो W2 बराबर हमारा क्या होगा, बिंदु बी का विभव, तो बिंदु 1/4πε0 याद है ना, Q1, ठीक है, जो दूरी है उसको हम लेंगे, वो क्या है, R12, ठीक है, Q1, ये पहले के लिए बिंदु Q1 के कारण, यानी Q1 के कारण विभव, बिंदु B का विभव Q1 के कारण होगा, ठीक है। किस आवेश को लेकर के आए थे, Q2 को लेकर के आए थे। अब जरा बताइए W2 किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R12, ठीक है, ये ऐसा होगा R12। तो समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं बच्चा 2। अब ध्यान दीजिए, निकाय हमारा बन करके तैयार हो गया। निकाय जब बन करके तैयार हुआ तो पहले आवेश को लाए हैं तो किया गया कार्य 0 है, और दूसरा धन Q2 आवेश को लेकर के Q2 आवेश को लेकर के आए हैं, तो हमारा समीकरण नंबर 2 किया गया कार्य है। तो पूरे निकाय को बनने में किया गया कार्य, अतः पूरे निकाय को रचना करने में किया गया कार्य कार्य, इस कार्य को हम क्या मान लें बच्चा, W मान लें, W है तो W बराबर पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य धन, दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो W बराबर 0 W1 के जगह पर, और इसका मान क्या बच्चा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R12। तो अच्छा, आवेशों को अनंत से जब हम लेकर के आएंगे और निकाय की रचना करेंगे, तो जो हमारा कार्य होता है वही कार्य ही संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में आ जाता है। तो चूंकि निकाय की
रचना करने में किया गया कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, अतः स्थिति ऊर्जा को यू से आइए है किया गया कार्य, या यू बराबर हम दिखा देते हैं, अच्छा एक बटा फोर पाई एफ साइलेंट जीरो क्यू वन क्यू टू बटा में आर वन टू ये हो गया अच्छा आपका समीकरण नंबर तीन से आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल गई। एक ए और बी जो दो आवेशों को लाना था अनंत से, Q1 को और Q2 को, तो अच्छा ये हो गया आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी ए बी निकाय के बनाने में कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4 πε0 Q1 Q2 / R12 के बराबर होगा। ठीक है,